खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान किया गया। बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय की उपस्थिति में रावल आचार्य ने ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा अर्चना कर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की है। इस अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोगमूर्ति 6 मई को श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से प्रस्थान करते हुए विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। गद्दी स्थान पर एक सभी विद्वान जनों को, अधिकारी पदाधिकारियों को हमारे समक्ष और पुजारी गणों के समक्ष एक हर साल मीटिंग होती है। वो सब विचार विनिमय करके तिथि का तय किया जाता है। उसी परंपरा के अनुसार आज तय हुआ है। जो मई 10 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7 बजे वो कपट खुल जाएगा, ये तय हो गए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ से डोली पहले 5 तारीख को रविवार के दिन शाम को भैरव पूजा होगी। उसके बाद सोमवार को 6 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होकर गुप्तकाशी में निवास होगा और उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को फाटा, 8 तारीख को गौरीकुंड और 9 तारीख को केदारधाम पहुँचेगी डोली। 10 तारीख को यथा प्रकार परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा उसका कपाट खुल जाएगा। सभी देशवासियों को और विश्व बंधुत्व को सभी को दर्शन के लिए सुविधा हो